सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी अर्निंग प्रूफ आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे दूसरे चैनल का भी मैं लॉग इन यहाँ पे कर लिया है, एंड यहाँ पे दूसरे फोन से भी लॉग इन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर आप इस तरह की अर्निंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि शॉर्ट चैनल जब आप बनाते हो या तो लॉन्ग चैनल आप बनाते हो तो आखिर कंटेंट भैया हम कहाँ से ले जिसमें कि अपना फेस बिल्कुल भी नहीं हो। यूट्यूब के अलावे हम कहाँ से वीडियो उठाएंगे जो हम अपलोड करेंगे और मोटा रकम जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ के वीडियोस आप उठाएंगे, कहाँ अपलोड करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है, एडिट कैसे होगा और आप इसे कैसे कर पाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक से कैसे बच पाओगे, अपलोडिंग का टाइमिंग क्या होगा, एडिटिंग कैसे करना होगा, रेशियो क्या रखना होगा, फ्रेम रेट क्या रखना होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की अपनी वीडियो को पब्लिक कब करना है, अपलोड करने के बाद शेड्यूल करना है या तो अनलिस्टेड में रखना है, प्राइवेट में रखना है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। एंड कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे वीडियो लेके आप लाखों में जनरेट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रूफ देख लो, व्यूज देख सकते हो, एंड सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया तो अब बारी आ जाती है कि आखिर वो एप्लीकेशन कौन सा है, एडिटिंग हैक्स क्या है, किस तरह से आप वीडियो ग्रोथ करोगे, चैनल पर आप जल्दी से जल्दी वायरल करोगे, वो बताने के लिए अपने फोन के स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं एंड फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं आपको कि किस तरह से आप भी मोटे रकम जनरेट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रकार के अगर कंटेंट अपलोड करते हो तो स्ट्राइक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक से बचने के लिए भैया बहुत कुछ करना पड़ता है हर एक क्रिएटर को, तो वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपनी वीडियो पे कभी भी स्ट्राइक नहीं आएगा और आपका चैनल रिव्यूज नहीं बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं अपने फोन के स्क्रीन पे अभी आ चुका हूँ, एंड हाँ ये कंटेंट का आप सबसे पहले तो अर्निंग प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो, आपके आंखों के सामने यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। एंड हाँ आप इसे बारीकी से देखना ताकि आगे चल के फ्यूचर में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फेसबुक पे आ जाएंगे एंड आपको एक यहाँ पे एक पेज नजर आएगा जिसका नाम है द बीटीएम फिल्म प्रोडक्शन, ऐसा नाम करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है, ये वीडियो किसी और का ही यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो का भी हम यूज करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जो यहाँ पे इतने सारे वीडियोस नजर आ रहे हैं ये देख सकते हो, या तो पाकिस्तानी वीडियोस हैं या तो यहाँ पे जो मैंने अपने एआई वाली वीडियोस जो जितने भी हमारे हैं वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल के 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज लाए हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो जहां से कि काफी सारे स्पॉन्सर्ड हमें मिल रहे थे, लेकिन मैंने आज तक कोई भी स्पॉन्सर्ड ना अपने यूट्यूब चैनल पे किया है ना कहीं और किया, और मुझे उम्मीद है अगर ये सब कुछ सही से चलता रहा तो मैं आगे भी ऐसा कोई भी वर्क नहीं करूंगा जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर को हानि पहुंचे। आपको पता होगा कि 100 सब्सक्राइबर होने के बाद भी लोग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे शेयर करके आपको पता होगा कि किस तरह से क्या करना है, तो बस आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है इसे ले लेना है। एंड मैंने यहाँ पे अपने फोन पे इसे ले लिया है, आपको भी ले लेना है क्योंकि ये मेथड मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, इस मेथड को बताने के बाद यूट्यूब हमें स्ट्राइक तक दे देती है या तो मेटा हमें स्ट्राइक दे सकती है। तो चलिए आपको बस सिंपल सा काम क्या करना है, ये कर लेने के बाद आपको अपने फोन के काइन मास्टर पे जाना है। काइन मास्टर पे जाने के बाद अब आपको देखो बारीकी से सीखना है, पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ पाओ, नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत इशू आपके सामने आ जाएंगे और आप इसे पैसे नहीं जनरेट कर पाएंगे या तो आपका चैनल मोनेटाइज तक नहीं होगा। तो आखिर मोनेटाइज कैसे होगा, एडिटिंग का मैंने प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ अभी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बारीकी से इसे आप देखना तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपको इशू हो सकता है। तो आपको क्रिएट नाउ न्यू पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे टिकटॉक का रेशियो हमें सैंपल शो करता है और इंस्टाग्राम का शो होता है, यूट्यूब का शो होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले रेशियो पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक कर देंगे। एंड अगर हमारे फोन का डेटा ऑन रहेगा ना तो यहाँ पे कुछ ऐड हमें देखने को मिलेगा, अब इस ऐड को हम यहाँ से क्लियर करके अब हम अपने फोन के स्क्रीन पे यहाँ पे काइन मेथड पे आ चुके हैं डेटा में, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने ले लिया, अब इस वीडियो को इम्पोर्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। इम्पोर्ट करने के बाद हम बैक आ जाएंगे एंड बैक आने के बाद सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, लाइनअप कर लेंगे और फुल डिटेल में आपको अभी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना मेरे दोस्त। अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या ही कर रहे हो, लाइक
जरूर कर देना। जब भी वीडियो हमारे सामने आ जाती है तो देखो आपको काम क्या करना है, तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि इस वीडियो में आखिर हो क्या क्या रहा है। जब इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको क्या करना है, 5 सेकंड 4 सेकंड 2 सेकंड ऐसे ऐसे करके, यानी कि अगर ये कंटेंट किसी ने भी यूज किया होगा तो उसके डैशबोर्ड पर 100% शो नहीं होना चाहिए। अगर 100% शो दे होता है तो आपको क्या होता है, अगर आप फेयर यूज पॉलिसी में उसे यूज भी करते हो तो आपको स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे भी स्ट्राइक मिलता है अगर आप कुछ भी परसेंटेज यूज करते हो, लेकिन अगर आप फेयर यूज पॉलिसी के अंडर उसे यूज करते हो तो आपके चैनल पे स्ट्राइक तो आएंगे, लेकिन आप उसे स्ट्राइक को फॉरवर्ड तक करवा सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी का क्यों नहीं। ऐसे ही रिसेंट में हमने एक चैनल द लूडो फैक्ट का चैनल जो 3-3 स्ट्राइक के कारण वो डिलीट होने वाला था, माफ कीजिएगा, जस्ट द सचिन फैक्ट, उस चैनल को हमने बचा लिया है, फॉरवर्ड कर दिया उनके स्ट्राइक को और वो बच चुका है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 से 5 कट आपको लगा देना है, एंड लगाने के बाद आपको वीडियो पे क्लिक करना है, एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट पे जाना है, सैचुरेशन को आप यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, वाइब्रेशन को आप यहाँ देखोगे वाइब्रेंस को इस तरह से कर दोगे, कंट्रास्ट को अगर आपको इस तरह से करेंगे तो वीडियो की क्लियरिटी निकल के आएगी, तो ब्राइटनेस को थोड़ा लो कर देंगे, एंड टेम्परेचर पर जाके आप टेम्परेचर भी इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, एंड हाईलाइट्स को इस तरह से कर सकते हैं, एंड शेडो को आप इस प्रकार से कर सकते हो, एंड गेन यहाँ पे है आपके सामने, यहाँ पे हर एक चीज देख लेंगे आप। उसके बाद AI स्टाइल पे अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो भैया और ज़्यादा मजा आएगा। अब ये और ज़्यादा मजा क्यों आएगा, क्योंकि कंटेंट जो होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब 3D कार्टून पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये हो पाएगा। अब देखो जैसे करोगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एंड आपकी जो वीडियो होगी ना वो पूरा AI जनरेट आपको करके यहाँ पे दे देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, AI का बेनिफिट हम नहीं लेंगे, अभी हम नॉर्मल रखेंगे, एंड नॉर्मल रखने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, एंड बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंट पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारी जो वीडियो है उसका एक लेयर बन चुका है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताए होंगे कि आप अपनी वीडियो को जब भी यूज करते हो ना तो एक लेयर यूज किया करो, तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन आपका जो कंटेंट हो जाएगा वो आपका बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, और आप ऊपर में PPI मोड पे यानी कि पिक्चर इन पिक्चर मोड पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर VN यूज करते हो तो इसमें PPI या तो इनशॉट पे भी आपको सेम नजर आएगा, अगर ओवरले नजर आता है या तो ये वाला ऑप्शन नजर आता है, तो आप वहां पे इसी यूज करके आप भी यहां पे आगे बढ़ा सकते हो अपने कंटेंट को और बिना स्ट्राइक के बच सकते हो। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है बैक, एंड बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, फिल्टर पे जाना है, एंड 2-4 फिल्टर इसमें एक्टिवेट आपको कर देना है, एंड 2-4 फिल्टर जब इस पर एक्टिवेट आप कर दोगे उसके बाद आपको मिक्सर पे जाना है। अब यहाँ पे आ जाएगी आवाज़ की रिक्वायर्ड, अब आवाज़ की रिक्वायर्ड कैसे आएगी चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अगर ये वीडियो मान लो कि 59 सेकेंड का है तो इतना जो हम अभी इसमें रियल वॉइस हम रहने देंगे, यानी कि रियल वॉइस क्यों रहने देंगे, ट्रिम यहाँ से करेंगे एंड स्प्लिट यहाँ पे करके यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, एंड वॉल्यूम वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन ना कि आप यहाँ पे ऑटो कैप्शन भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपका वो वाला वर्जन है तो। जैसे मैंने लगभग 20+ लोगों को प्रीमियम वाला मेरे पास जो है वो मैंने दे दिया है, अगर आपको भी लॉगिन चाहिए उसका, अगर आप फेयर यूज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख के, इस वीडियो में आपको एक कोड नजर आ जाएगा, कमेंट करना और हमें इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम पे फॉलो करके मुझे एक मैसेज कर देना, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हो सकता है कि नहीं भी करवाया जा सकता है उस केसेस में जब ये अनलिमिटेड यूजर को मिल चुका होगा, तो लिमिटेड 10% के लिए ही रहेगा अभी, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस देने के बाद हो सकता है कि प्रीमियम हमारा वहाँ से ऑटोमेटिक ख़त्म हो सकता है। तो अभी आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड मास्टर वॉल्यूम को आपको डिक्रीज करना है, एंड नीचे आने के बाद आप वीडियो जब देखेंगे तो वीडियो का एडिटिंग जो होगा ये किस तरह से आप रखना चाहते हैं, फुल रखना चाहते हैं कि उसको क्रॉप करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। वो आप फुल भी रख सकते हो, हाफ भी रख सकते हो, जो भी रखने का मन है आप रख सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे अब इसे हमें ना भैया फेस दिखाना है हमें, ना अपना कुछ और दिखाना है, यानी कि अपना वॉइस भी नहीं देना है, कुछ और नहीं करना है, तो वॉइस देने के लिए तो रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन से आप रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है वॉइस की। अब वॉइस हमारी अच्छी नहीं है, हम रिकॉर्ड सही से नहीं कर पाते, हमारे पास अच्छा माइक नहीं है, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी आपको मैं बताता हूँ।
तो आपको सिंपल से काम क्या करना है, आपको चले जाना है गूगल पे। एंड गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारे एआई को सर्च करके भी रखा है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एआई नजर आ जाएंगे, जिसमें कि आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आप फ्री वाला यूज करना चाहते हैं तो फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको जो भी यूज करने का मन है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आपकी आंखों के सामने देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे वेबसाइट को ऑन करके रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान लो मुझे टेक्स्ट टू, ठीक है, टेक्स्ट टू साउंड, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच हम करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे देखो, एक तो आप यहाँ पे गूगल के खुद का जो गूगल क्लाउड है उससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लिख के दोगे इनके, ट्राई टेक्स्ट यहाँ पे फ्री अगर आप करना चाहते हो तो दो चार टाइम के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो। इसका भी सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए ये भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखो, आपको बैक आना है, यहाँ पे नॉर्मल वाले फ्री वाले वेबसाइट पे जाना है। एंड फ्री वाले वेबसाइट पे जाने के बाद आपको उस कहानी के बारे में यहाँ आपको सब कुछ बता देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरेक्टर सेलेक्ट करना है कि आखिर किस कैरेक्टर का आप वीडियो यूज करना चाहते हैं, साउंड यूज करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इंडिया अदिति है। अब लड़की का मान लो रवीना का है, प्रभात का है। अब मान लो मुझे यहाँ पे इसका लेना है तो हमें यहाँ पे साउंड सुनाया जाएगा उसका कैसा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे करेंगे वो लोडिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो भी उनसे बुलवाना है आपको सिंपल सा काम क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे, टाइप करने के बाद आपका जितना भी कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिक जो साउंड होगा या फिर रवीना टंडन का, वो आपके उस साउंड पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे मान लो अभी यहाँ जो है उसी को मैं करना चाहता हूँ, अभी जो लिखा हुआ है इसे हम करेंगे यहाँ क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो रिजल्ट होगा कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। एंड यहाँ पे हम रोक देंगे इसे। एंड यहाँ पे जैसे हम इसमें लॉग इन करेंगे, इसे डाउनलोड करने के लिए लॉग इन हमें करना पड़ता है, या तो आप यहाँ पे इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये हमारे सामने है MP3 में है, फॉन्ट आप यूज देख सकते हो। MP3 में से करेंगे जैसे तो हमारे पास यहाँ पे अपग्रेड नाउ का एक ऑप्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ से डाउनलोड करने के बाद हमें कोई भी इशू नहीं होगा। एंड इसका ये वाला नहीं वर्जन, वो वाला वर्जन भी गूगल पे अवेलेबल है, आप समझ लो कौन वाला वर्जन है। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके बहुत सारे एक्टर के साउंड में भी आप वीडियो बना सकते हो। अब ये हो गया 2-3 साउंड में, आप लड़के के साउंड में, लड़की के साउंड में, जो भी होगा जिस तरह के आप वहाँ बताओगे वैसी वीडियो आपको क्रिएट करके देंगे। जो साउंड मैंने आपको दिखाया वो सारे साउंड आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे। एंड इस साउंड को डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा हम फिर से हम जाएंगे अपने काइन मास्टर पे। एंड काइन मास्टर पे जाने के बाद म्यूजिक वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। एंड म्यूजिक वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करके हमारे फोन के गैलरी में जो ये वीडियो अभी फोटो या तो कुछ भी होगा, लाइक हमें भी म्यूजिक ऐड करना है तो म्यूजिक वाले ऑप्शंस पे ऐड करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे गैलरी में जो होगा उस गैलरी को हम उठा लेंगे। एंड यहाँ पे देखो जितने भी साउंड्स हैं वो सोने स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे साउंड लेके उस साउंड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड उस साउंड को जैसे हम यूज करेंगे ना तो हमारी जो वीडियो होगी उसमें जो होगा हमारा फेस वैल्यू नहीं ऐड होगा, लेकिन हमारे उस वीडियो में क्या होगा कि एक वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब देखो वीडियो पे और ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए अब क्या करना पड़ता है, लोगों को ये नहीं पता होता है, तो अपनी वीडियो में एक एक गलती करो। लाइक अगर कोई वर्ड को आप गलत प्रोनाउंस कर दो या कुछ और कर दो तो आपको बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपका जो रीच होगा वो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे इसी चैनल पर जाके देखना, मेरे इस चैनल पे शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, ये रियलिटी है, क्योंकि सबका एल्गोरिदम अलग होता है हर एक चैनल का। तो इस पे क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक वर्ड गलत बोला था अपने रिसेंट वाले वीडियो पे, उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए, लाइक आए, तो उसके कारण से उस वीडियो पे नॉर्मल वीडियो पे जहाँ 1000-2000 शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं उस पे हमारा 11000 व्यूज़ आ गए, और अभी भी वो हमारे शॉर्ट्स फीड पे चल रहा है क्योंकि उस पर रीच अच्छा मिला, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, जिसके कारण से हमें बेनिफिट देखने को मिला। तो ये आप भी कर सकते हो, 100% आपको भी बेनिफिशियल ये साबित होने वाला है। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको अपने कंटेंट को यहाँ पे 4K 60 FPS पे कन्वर्ट कर लेना है और इसे अपलोड करना है आपको रात के 8 बजे या तो आपको सुबह, ताकि आपका जो ऑडियंस, जो भी किड्स ऑडियंस होंगे उसे इसे सही से देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे और आपको जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर आपका चैनल पे स्वाइप्ड अवे जो होगा वो अगर 10-15% के बीच आ गया है तो उम्मीद बस यही है कि बहुत जल्दी आप आपके चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले हो, यानी कि ये जितना लो आपका होता जाएगा आपका चैनल उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। तो आप अपने चैनल को बिल्कुल भी मत छोड़ना अगर ऐसे केसेस में आ चुका है। अगर उसे कम करना है तो आपका वीडियो जो होगा उसे इंगेजिंग आपको स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में बनाना होगा, एडिटिंग आपको सही करना
करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी वीडियो पे कहानी जो एक्सप्लेन करोगे वो एआई या तो आप खुद से अगर करते हो तो वॉइस का आप मद्देनजर हमेशा रखना कि आप उसे सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर आपने उसे सही से नहीं किया तो आपको इशू होगा और आप सही से वर्क नहीं कर पाओगे। वर्क सही से नहीं करोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है, मैंने बहुत सारे चैनल पर देखा है, वो स्ट्राइक खा जाते हैं। अगर आपको स्ट्राइक आ जाती है तो 110% उसकी मैं एक बात बोलूँगा कि वो फॉरवर्ड हो जाता है और मैं करवा दूंगा। लेकिन इसमें भी रिस्क है कि इसमें भी लिमिटेड परसेंट का होगा, क्योंकि बहुत सारे अगर सेम फॉरवर्डिंग फाइल करूँगा तो उससे चैनल नहीं हो पाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वैसा कोई चैनल है जो कि बहुत बड़ा चैनल है और वो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक खा चुका है तो उनका हम सपोर्ट जरूर करेंगे। अपलोडिंग कर देना एंड टाइटल पे हमेशा 3 से 4 इमोजी आप जरूर यूज करना। और हाँ, ट्रेंडिंग आप रील्स का यानी कि या तो ऑडियो का जो भी यूट्यूब पे चल रहा होगा उसे थोड़ा 0 वॉल्यूम नहीं 2 वॉल्यूम करके आप उसे यूज करो, ताकि ट्रेंडिंग सेक्शन से भी आपको अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिलने लगे। ये सब चीज करके आप अपलोड करो, 100% आप भी रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर लोगे।